गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दीपक सोनी, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 17 इज कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। समटाइम स्टार कैन बी अरेंज इन ए पर्टिकुलर पैटर्न इन द स्काई। समटाइम्स क्या होते हैं, जो स्टार होते हैं वो अरेंज किस तरीके से अरेंज होते हैं, अरेंज इन ए पर्टिकुलर पैटर्न इन द स्काई। द स्टार फ्रॉम 13 रिकॉग्निबल शेप्स एंड फिगर इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, तो स्टार्स का जो रिकॉग्निशन होता है एक पर्टिकुलर शेप एंड फिगर जो फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, द कॉन्स्टिलेशन वर्ड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है, स्टेला से, जो लैटिन वर्ड है स्टेला से, विच इज मीन्स स्टार। तो कॉन्स्टिलेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड होता है जिसका अगर मीन्स बात करेंगे तो इसको बोलते हैं स्टेला, विच मीन्स स्टार। एस्ट्रोनोमर्स हैव फाउंड 88 कॉन्स्टिलेशंस सो फॉर, मीन अभी तक जो एस्ट्रोनोमर्स हैं उन्होंने कितने कॉन्स्टिलेशन को फाउंड कर दिया है अभी तक, अराउंड 88 कॉन्स्टिलेशन। सम कॉन्स्टिलेशन आर विजिबल इन समर एंड सम आर इन विंटर। सो सम कॉन्स्टिलेशन किसको हमको कब दिखते हैं, विजिबल इन समर सेशन में, एंड सम कॉन्स्टिलेशन आर सी इन विंटर सेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिलेशन के बारे में देखा कि सम जब भी स्काई एक पर्टिकुलर पैटर्न को मेडअप करते हैं या तो उससे क्या बनते हैं, कॉन्स्टिलेशन बनते हैं, और अभी तक एस्ट्रोनॉमर ने अराउंड 88 कॉन्स्टिलेशन को डिस्कवर्ड किया है। वी कैन एक्सेस द सेशन एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिलेशन सम कॉमनली सीन कॉन्स्टिलेशन आर। नंबर फर्स्ट इज उर्सा मेजर और ग्रेट बियर। ठीक है, तो पहला जो कॉन्स्टिलेशन है वो क्या है, उर्सा मेजर और ग्रेट बियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। द कॉन्स्टिलेशन द ग्रुप ऑफ 7 स्टार अरेंज इन द शेप ऑफ स्पून्स और डिपर। ठीक है, मीन जो कॉन्स्टिलेशन ऑफ इन ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार का एक ग्रुप होता है अरेंज द शेप ऑफ स्पून और डिपर। फॉर दिस सेशन द कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड बिग डिपर। इसको कॉन्स्टिलेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, बिग डिपर। इट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, सप्त ऋषि। ठीक है, तो ये 7 तारों का एक समूह जो होता है स्काई में उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सप्त ऋषि बोल देते हैं। ठीक है, और इस कॉन्स्टिलेशन को और क्या बोल सकते हैं, बिग डिपर। इन इंडिया ऑफ 7 स्टार इज द कॉन्स्टिलेशन ऑफ 4 फॉर्म स्पून एंड और अदर डिपर, व्हाइल द रिमेनिंग 3 मेक्स हैंडल ऑफ द स्पून। मीन्स क्या होते हैं, तो 7 स्टार ऑफ कॉन्स्टिलेशन में से जो 4 स्टार होते हैं वो किसको मेडअप करते हैं, स्पून मेडअप करते हैं एंड डिपर, व्हाइल द रिमेनिंग 3 स्टार्स मेक अप हैंडल ऑफ द स्पून। द कॉन्स्टिलेशन हेल्प लोकेट द पोजिशन ऑफ पोलर स्टार। कॉन्स्टिलेशन किसकी पोजिशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, पोलर स्टार की पोजिशन इन द नाइट में उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करते हैं, मेंशन करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है उर्सा माइनर लिटिल बियर। ठीक है, उर्सा माइनर को क्या बोल देते हैं हम लोग, लिटिल बियर। द कॉन्स्टिलेशन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 7 स्टार बट दीज स्टार आर नॉट ब्राइट एज उर्सा मेजर। ठीक है, तो कुछ 7 स्टार ऑफ जो स्टार्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उर्सा माइनर और लिटिल बियर। उर्सा माइनर दीज आर स्टार्स आर नॉट ब्राइट एज उर्सा मेजर। द पोल स्टार इज वन ऑफ द 7 स्टार फॉर्मिंग उर्सा माइनर। ठीक है, द पोल स्टार इज वन ऑफ द 7 स्टार फॉर्मिंग उर्सा माइनर। इट फॉर्म्स द टेल ऑफ द कॉन्स्टिलेशन। ये किसकी टेल को फॉर्म करते हैं, इट फॉर्म द टेल ऑफ द कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन की जो टेल होती है उसको फॉर्म करते हैं। इज सीन इन द नॉर्दर्न स्काई इन द समर। ये कब हमको दिखाई देते हैं, नॉर्दर्न स्काई इन द समर सेशन। ठीक है, तो समर सेशन के टाइम में हमको उर्सा माइनर और लिटिल बियर जो होते हैं वो सीन होते हैं, और जो एट द नाइट टाइम उर्सा मेजर और ग्रेट बियर ऑकर एट द ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उर्सा मेजर जो है वो किसको फॉर्म करता है, एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। उर्सा माइनर किस तरीके की है? इस टाइप का जो शीन है इसको ऑकर करता है। ठीक है, ओरियन। फिर नेक्स्ट है ओरियन और द हंटर। द
The constellation has seven stars along with several faint ones. Seven bright stars के साथ several faint ones. Together they take shape of hunter. एक इस तरीके का शेप फॉर्म करता है, हंटर का शेप फॉर्म करता है. With four bright stars making the shoulder. Four bright stars किसको मेड अप करते हैं? Shoulder and legs of the hunter. Three stars forming the hunter belt. So, three stars किसको फॉर्म करते हैं? Hunter belt को फॉर्म करते हैं. और जो हंटर बेल्ट को फॉर्म करते हैं उसको क्या बोल देते हैं? बेल्ट ऑफ ओरियन. इसको बेल्ट ऑफ ओरियन भी हम लोग बोल सकते हैं. द कॉन्स्टिलेशन इज विजिबल इन द विंटर सेशन. और ये जो कॉन्स्टिलेशन होता है वो हमको किसमें विजिबल होता है? इन द विंटर सीजन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड काल पुरुष इन द इंडिया. इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? काल पुरुष इन इंडिया इसमें बोल देते हैं. ठीक है, द ओरिजिन ऑफ हंटर को अनदर नेम इज काल पुरुष इन इंडिया. The straight and imaginary line through the star of the belt will be led you brightest star in the sky is Sirius. ठीक है, Sirius. The imaginary line through the star of the belt will lead you the brightest star in the sky. ठीक है, ये brightest star in the sky होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Sirius. ठीक है, फिर Scorpius. ठीक है, Scorpius. Scorpius the constellation also has seven star arranged in the shape of a form. सेमल द स्कॉर्पियन कि जैसा शेप फॉर्म करता है. इस कंप्लीट विद द टेल एंड पिंचर. इट इज विजिबल इन समर. समर सेशन में विजिबल होता है स्कॉर्पियन लाइक स्ट्रक्चर. ये भी किसका कॉम्बिनेशन होता है? सेवन स्टार्स का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन देखे कि कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं और ये कब किस सेशन में हम लोगों को विजिबल होते हैं. ठीक है, तो याद रखना है हमको ओरसा मेजर, ओरसा माइनर. ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा जो है ओरियन ऑफ हंटर और नेक्स्ट वन इज स्कॉर्पियो. ठीक है स्टूडेंट, सो दैट इज सफिशियंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक. सो थैंक यू सो मच एंड कीप योर स्टडी वेल.